अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है नवाब और मेरे साथ मौजूद हैं जुबैर। तो यार रोहित रिएक्शन में आपको वेलकम करते हैं। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसमें यह है कि चाइना वर्सेस इंडिया का मिलिट्री कंपैरिजन किया जाएगा। रिसेंटली जो अपडेट आई है, रिसेंटली जो मिलिट्री की जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है चाइना और इंडिया की, उसके मुताबिक आपको बताया जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मिस्टर कामरान यूट्यूब चैनल है और इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ओरिजिनल वीडियो या मिस्टर कामरान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स वेलकम टू दिस मिलिट्री कंपैरिजन वीडियो, और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे चाइनीज मिलिट्री को इंडियन मिलिट्री के साथ। दोनों ही काफी तगड़ी मिलिट्री चल रही है। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्लैशेस भी चल रहे हैं। हाँ। चाइनीज मिलिट्री पावर रैंकिंग में थर्ड नंबर पर है। चाइनीज मिलिट्री का बजट 209 बिलियन यूएस डॉलर है। चाइनीज मिलिट्री में 21,85,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल हैं। और चाइना के पास पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है मिलिट्री में? मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री फोर्थ नंबर पर है। इंडियन मिलिट्री का डिफेंस बजट 67 बिलियन यूएस डॉलर है। इंडियन मिलिट्री में 14,55,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, 11,55,000 रिजर्व पर्सनल हैं, और इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इंडिया के पास काफी कम है, पाकिस्तान से भी कम है। लैंड फोर्सेस में चाइनीज मिलिट्री के पास 3,205 बैटल टैंक्स हैं, 35,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, 3,000 टोटल आर्टिलरी है और 2,250 रॉकेट व्हीकल्स हैं। लैंड फोर्सेज में इंडियन मिलिट्री के पास 4,730 बैटल टैंक्स हैं, 10,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, 4,100 टोटल आर्टिलरी है और 374 रॉकेट व्हीकल्स हैं। एयरफोर्स में चाइनीज मिलिट्री के पास 3,260 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 1,200 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 371 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 902 टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं और 327 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। एयरफोर्स में इंडियन एयरफोर्स के पास 2,119 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 542 टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 130 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 251 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 775 टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं और 40 टोटल अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। काफी ज्यादा यार, इंडिया पीछे हो गया, पीछे गया। नेवल फोर्स में चाइनीज नेवी के पास 777 टोटल नेवल शिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 50 टोटल डिस्ट्रॉयर्स हैं, 46 टोटल फ्रीगेट्स हैं, 123 टोटल पेट्रोल वेसल्स हैं और 79 सबमरीन्स हैं। नेवल फोर्स में इंडियन नेवी के पास 285 टोटल नेवल शिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 13 फ्रिगेट्स हैं, 139 पेट्रोल वेसल्स हैं और 17 सबमरीन्स हैं। इसमें भी थोड़ा पीछे ही है। तो यार आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है या चाइना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वीडियो को देखने के बाद? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और यार अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखें ब्रॉड लेवल पे, छोटे लेवल पे देखें इस वीडियो से, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा था। तो यार अगर बात करें ब्रॉड लेवल की, तो चाइना काफ़ी बड़ा मुल्क है और उसको अपना बड़े इलाके को कवर करना पड़ता है, तो उसकी मिलिट्री उस लिहाज से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया चाइना से एक छोटी कंट्री है, तो उसने उतने इलाके को जो है वो कवर करना है। उसका जो है वो शिप्स, अगर बात करें नेवल शिप्स की, तो उसके साथ जो ओशियन लगता है, जो उसके साथ समंदर लगता है, वो छोटा है, तो उसने उस छोटे को ही कवर करना है। तो उससे जो है वो कम व्हीकल्स जो है वो कम शिप्स वगैरह जो है वो चाहिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और रोहित रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस आप टाइम पे देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।